अभिनंदन करता हूँ और महाराष्ट्र के मैडम जो है महिला दिवस है, कोई एक दिवस पुरुष दिवस क्यों नहीं है? और वो वाकई उठ बैठ गया सोच के कि मैं बदा हुआ, वो रात भर नहीं भागा, सुबह सबको रस्सी खोली, इसकी तो रस्सी बंधी ही नहीं थी, तो सौदागर में ऊँट को कहा चल, ऊँट उठे ही नहीं। जी, जागरूकता पूरे समाज की है, ये सिर्फ महिला की नहीं है। जितना न्यायपूर्ण समाज होगा उतना ही समृद्ध समाज होगा। तो जो जागरूकता लानी है वो पुरुषों और महिलाओं दोनों में लानी है कि दोनों ही बराबर कुदरत ने बनाए हैं, उनमें फर्क ना करें, उनमें किसी को पिछड़ा किसी को अगला, वो महिला हो जाति हो वर्ग हो, बराबरी लाना ही एक खुशी का माहौल बनाना है। सर एक मिनट, सर थोड़ा सा नीचे भाग्यशाली दिन है जब यहाँ के लोगों ने ये सोच की कि हम एक ऐसी जागरूकता रैली निकालें, और हमारे बीच सुश्री कविता चौधरी जी हैं, मधु यादव जी हैं, आप आगे आकर देखेंगे हम कंट्रोल रूम पर अन्य महिलाओं का भी सम्मान करेंगे। मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगी एसपी साहब को, जिन्होंने इस रैली की शुरुआत में भी हमारा साथ दिया, लगातार इनका साथ बना रहता है, और आप सभी का हमारे साथ बने रहिए। समता लाए, बराबरी लाए, तो आप पाएंगे कि जो काम है आपके आधे परसेंट 50% घट जाएंगे, और जो महिलाओं की इच्छाएं हैं वो 50% कहीं आकार ले पाएंगे। अबे हाथ जोड़ कर जागरूकता रैली जो है, ये हमें जब हम इस चीज की शुरुआत करते हैं तब हमें पता नहीं होता कि ये हमारा रिजल्ट कहाँ तक जाएगा, लेकिन जब इस चीज की शुरुआत की गई तब इस भावना से की गई कि ये जो तारीख के लिए जो इतना हम देखते हैं कि कहीं कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, उस कमियों को पूरी करने के लिए, और आज जब सब एकजुट होकर इस तरफ आगे बढ़े हैं, तो मैं देख रही हूँ हमारे सारे संबंधित भाई और बहन भी देख रहे हैं कि ये हमें जो ताकत देती है, इस ताकत के आगे कोई भी ताकत नहीं लगती है। हम ताकत को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश है, ये हमारी वजह सदा ही।
मैडम महिलाओं को जागरूक करने के लिए रैली के अलावा कुछ और कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं? हाँ, रैली के अलावा हमारे और भी कार्यक्रम है, जिसमें की वाद विवाद प्रतियोगिता है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और इस रैली के अलावा जो है ये हमारे स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं, और इस तरह से 7 दिन का जो प्रोग्राम है वो 7 डेज तक पुलिस कंट्रोल रूम में है, शहीद स्मारक में है, कॉलेज में है, और कई जगह जो शिविर लगाए गए हैं, इस शिविर का लाभ जो है अधिक से अधिक महिलाएं उठाएं, अधिक से अधिक जो है और अपना लोग जो है उठाएं, और इसके अलावा जो हमारा 7th और 8th को जो प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि एक ही दिन में आप अपने परिचय पत्र बनवा सकते हैं, जिसमें कि आप एक ही दिन में अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, तो ऐसी चीजें जो है ऑन स्पॉट की जाएंगी, तो ये अपने स्पॉट पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। नाम बताओ। रेणुका नाम।